हेलो गाइस, एसके ग्राफिक एनिमेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं, एक बायोडाटा डिज़ाइन करने वाले हैं शादी के लिए, बॉय बॉयज के लिए। ये सारे टेक्स्ट वगैरह, फोटोज़ वगैरह हम लगा के इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये साइड में हमने थोड़े थोड़े टेक्स्ट रख रखा है, सॉरी टेक्स्ट नहीं, फोटो, यो गणपति जी की फ़ोटो और ये बॉर्डर। इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, फाइल के अंदर जाएंगे या फिर न्यू का ऑप्शन, देन ओके कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे लेटर साइज़ है, इसकी जगह हम A4 साइज़ कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल में। यहाँ पर जाने के बाद माउस को डबल क्लिक करना है, 1-2। जैसे डबल क्लिक करेंगे, हमने जितना बड़ा आर्टबोर्ड ले रखा उसी साइज़ का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट अलाइन अलाइन डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, इसको बड़ा करेंगे पकड़ के। देखिए हमें जितना रखना है इतना रखना है, इसको चाहे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इतना, इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। देखिए सेंटर चौड़ाई इसको थोड़ा सा लेफ्ट और इसको थोड़ा सा अंदर, ठीक इतना हो गया। यानी इस पर कोई कलर वगैरह फिल नहीं हो सकता, ये इमेज फाइल है, इसको हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, ट्रेस में गए। देखिए ट्रेस में भी दो तीन ऑप्शन आते हैं, आपको एक दिखा देते हैं। सेलेक्ट किया, ट्रेस में गए, क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस में क्या इशू आता है, देखिए क्विक ट्रेस में साइड में जो फ्लावर वगैरह है सब रिमूव हो गए, इसको हम डिलीट करेंगे। दोबारा इसको सेलेक्ट किया, ट्रेस में गए, आउटलाइन ट्रेस, यहाँ पे आता है क्लिप आर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अब पहले पहले के ट्रेस में और अब के ट्रेस में कितना फ़र्क होता है, इसलिए हमें सारे ट्रेस में जाके एक एक बार देखना पड़ेगा। देखिए सारा ये लेफ्ट वाला आपका जो हमने JPG फाइल डाउनलोड करी है वो है, राइट वाला हमने वेक्टर फाइल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ना, इस पर आप कोई कलर करना चाहे तो इस पर भी कलर कर सकते हैं। देखिए इस पर हम कर देते हैं रेड कलर, इस पर कोई कलर फिल नहीं होगा, ठीक। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक। इतना होने के बाद आप लगाइए गणपति बप्पा को यहाँ पे सेंटर में, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेंटर कर दिया, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका कलर भी हम रेड कलर फिल कर देते हैं पूरे को। हम देखिए लेफ्ट राइट, आप चाहे तो देखिए ये जो नोच से निकली हुई है इसको आप हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका सेव टूल, देखिए इसको हम डिलीट राइट क्लिक करके इसको टू लाइन, ठीक। ऐसे करके हम सारे का ऐसे रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक टू लाइन। यहाँ पे भी वैसे ही इसको डिलीट राइट क्लिक करके टू लाइन, ठीक। सब में ऐसे ही करके हम इसको ठीक कर देंगे जिससे हमारा डिज़ाइन और अच्छा लगे। इसको टू लाइन, इसको भी हम टू लाइन कर देंगे, देखिए टू लाइन। सेम इस पर भी वही करेंगे, देखिए इसको डिलीट राइट क्लिक टू लाइन, इसको सेलेक्ट राइट क्लिक टू लाइन। यहाँ पे भी ऊपर एक रह गया है, सेलेक्ट डिलीट इसको, सॉरी टू लाइन, ठीक। इतना हो चुका हमारा। अब हमें बैकग्राउंड का कलर लगाना है, कलर हम क्या लगाएंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से सेव होता है। बैकग्राउंड में जो हमने बॉक्स लिया उसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट F11 करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3 और यहाँ पे करेंगे 25-0, ठीक है, ओके। अब इसको डार्क कलर करिए लाइट कलर करिए वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। ओके, आउटलाइन को हम डन कर देते हैं, इतना हो चुका है। और हमें टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट कहाँ से लगा है, देखिए ये रहा हमारा सारा टेक्स्ट, श्री गणेशाय नमः। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, सॉरी इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, सॉरी यहाँ पे आता है आपका टेक्स्ट टूल, पेस्ट,
इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट ले लेते हैं पॉपिंस बोल्ड, इसको हम कर देंगे सेंटर, इसको छोटा करेंगे हम इतना, यहाँ पे लगा देंगे, इसको हम कर देंगे 16 PT। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेंटर, इसको हम रेड कलर। अब जाएंगे देखिए ऑल्ट टैब दबाएंगे, ऑल्ट से टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया दोबारा नोट पैड में, इसको कंट्रोल एक्स, इसको कॉपी करके यहाँ पे ले गए कंट्रोल वी, इसको हम सेंटर कर देंगे इसको भी। ठीक, ये हमारा बायोडाटा बन गया है जो टेक्स्ट है, और ऊपर श्री गणेश है, नाम भी लग गया है। अब हम लगा लेते हैं सारा टेक्स्ट को, हम एक बार में कॉपी कर लेंगे। देखिए नेम डेट ऑफ बर्थ होगा सबको, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करेंगे हम, कट पेस्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए कंट्रोल वी, क्या करेंगे हम पॉपिंस मीडियम हम कर देते हैं 12 PT। आप चाहे तो इसको 12 की जगह 14 भी रख सकते हैं, हम 14 रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लम रख देंगे, ठीक है, इसी को हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, इसको देखिए यहाँ यहाँ पे रखेंगे कंट्रोल ए, देखिए डॉटेड आता है, एक एक सीध में होना चाहिए तो ये इसकी अलाइनमेंट में अच्छा लगेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए देखिए अब डॉटेड लाइन लगा देते हैं, ठीक है, देखिए लग गया हमारा। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब दोबारा नोट पैड में जाएंगे, इसको पूरे को हम करेंगे कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसको हम पकड़ के इसको यहाँ ले जाएंगे। देखिए ठीक इतना हो चुका हमारा, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए कंट्रोल बी। ठीक, देखिए 15 PT इसका साइज़ है, 15 PT इसका साइज़ है। देखिए ये सेंटर में जो डॉटेड लाइन है उसका भी हमने सेम रखा है टेक्स्ट, इतना हमारा हो चुका है। कंट्रोल एस करेंगे और एक हम फोटो की फ़ोटो लगा देते हैं। देखिए फ़ोटो हम इतना लेंगे, ठीक, इसकी चौड़ाई हम थोड़ी सी कम करेंगे, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट में गया पावर क्लिप प्लेस इन साइड पर, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए फोटोज इसकी आउटलाइन हम डन कर देते हैं और सेलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल डी, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट में गया पावर क्लिप एडिट पावर क्लिप, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। देखिए बॉक्स क्रिएट नहीं करेंगे तो देखिए पावर क्लिप के अंदर ऐसे लाइन बन के आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप फिनिश एडिटिंग, इसको हम कर देते हैं रेड कलर। ठीक, और ये जो फोटो थी इसको हम राइट क्लिक करके ऑर्डर टॉप टू फ्रंट, देखिए इसको आप ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग ऐसे लगा सकते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी। ठीक, इतना हमारा हो चुका है। अब कंट्रोल, देखिए जब भी आप कोलरों पे काम करें थोड़ी देर काम होने के बाद कंट्रोल एस करते रहिए, उसके बाद हमारा टेक्स्ट रह जाता है, उसके बाद हमारा टेक्स्ट रह जाता है फैमिली डिटेल, इसको हम सेलेक्ट किया कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको देखिए बायोडाटा पर नीचे ले आएंगे, सेलेक्ट किया कंट्रोल वी करेंगे, इसको सेट, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ठीक, अब दोबारा हम जाएंगे फादर नेम वगैरह ब्रदर नेम वगैरह, इसको कंट्रोल एक्स, इसको 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 तीनों को सेलेक्ट करके इसको नीचे ले आएंगे। देखिए यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी, ठीक, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट हो गया। दोबारा जाएंगे, ये आपका नेम वगैरह है कंट्रोल एक्स, यहाँ पे जाके हम करेंगे कंट्रोल वी, ठीक, और बाकी जो डॉटेड लाइन जो है इसको आप डिलीट कर देते हैं। आप चाहे तो इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम कर सकते हैं। देखिए आप स्पेसिंग कम करने के लिए जाएंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में, हम कर देते हैं 95, ठीक, इसका 95 किया तो इसका भी 95 होगा, इसका भी 95 होगा। ठीक, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम कर देंगे 95, ठीक।
इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर, और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सबको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। देखिए मैं जो भी टेक्स्ट है एक ही पेज पे हमें लगाना है, इसलिए थोड़ा बहुत हमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह हमें अपने अकॉर्डिंग लगाने की जरूरत है। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट करके इसको नीचे ले आएंगे, ड्रैग करके देखिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट रहेगा कॉन्टेक्ट डिटेल, कंट्रोल एक्स यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल वी कर दिया। ये जो हमारा एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे, इनको डिलीट कर देते हैं, इसे सॉरी इनको डिलीट, एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको डिलीट, इनको पकड़ के थोड़ा सा नीचे, इनको पकड़ के थोड़ा सा नीचे, इतना, अब इन सब को पकड़ के थोड़ा सा नीचे, देखिए ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। देखिए एक बार हम प्रीव्यू मोड देख लेते हैं इसका, व्यू फुल स्क्रीन, देखिए ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसलिए यदि और एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वो दिखाते हैं आपको। सेलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको हम राइट में रख देते हैं। ठीक, इसके पीछे हम कलर करना चाहे कौन सा कलर कर सकते हैं, इसके पीछे ये कर देते हैं सिट F11 करेंगे, और इसको लाइट कलर करेंगे, देखिए ऐसे इतना लाइट कलर कर देंगे, और इसको चाहे तो आप ऑरेंज कर दीजिए, इन सब को आप सेलेक्ट करके ऑरेंज कलर कर दीजिए। ठीक, इसको भी हम राइट क्लिक करके ऑरेंज, ठीक है, लेफ्ट राइट, इनका भी कलर ऑरेंज कलर, आप चाहे तो इसके अंदर का जो पैटर्न है इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, F11 प्रेस करके इसको रेडियंट कलर दे सकते हैं। ओके डन, देखिए आपके सामने दो मैंने अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से वायर डाटा डिज़ाइन करके रख दिया है। एक बार हम प्रीव्यू मोड देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।